मेरा YouTube का टोटल अर्निंग अभी तक में मैंने कितना कमाया हूँ, और जो है 18 मंथ हो गया YouTube चैनल खोले हुए और अभी तक में मेरा कितना अर्निंग हुआ है टोटल हम उसमें बताने वाले हैं। इससे पहले नहीं बताते थे, कुछ रीजन था, नहीं वीडियो बनाते थे, तो हम पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं जो अभी तक का कैसा मेरा जर्नी रहा और कितना मतलब पेमेंट उठाते थे और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ सब हम अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आपको हम सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड का जॉब से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो है YouTube का जर्नी, जैसे थोड़ा मतलब पैसे जब YouTube का आता है तो खुश हो जाता है दिल, लेकिन इसके पीछे का जो है राज और कहानी बहुत ही डेंजर है। जो मैं खोला मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था जब मैं स्टार्टिंग किया, और मैंने सोशल मीडिया से यूट्यूब में आने से पहले मैं एक रील बनाता था। रील बनाते बोले तो लाइकी पे, टिकटॉक से जब स्टार्टिंग से ही, फिर उसके इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने धीरे धीरे लड़के सब बताया, कई सारे दोस्त भाई सब बताए, भाई आप अगर लाइकी वाइकी पे, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो तो आप जो है यूट्यूब चैनल भी खोल लो। मैं सोच रहा था यूट्यूब में मेरे को कौन सा नॉलेज है भाई, क्या मैं शेयर करूँ, क्या बताऊँ यूट्यूब पे। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखे और मैं सोचा कौन सा जानकारी दूँ, तो फिर मैं सोचा मैं यार सिक्योरिटी लाइन में सिक्योरिटी गार्ड का ही वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग में ये था मोटिव कि लड़कों का कैसे हम सब ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का लाइफ स्टाइल कैसे होता है, उस पर मेरा मोटिव था। धीरे धीरे मैंने वीडियो बनाते गए और वही लाइफ स्टाइल के बारे में ही बताता गया। लड़के सब इंटरेस्टेड होने लगे कई सारे, क्योंकि बेरोजगार अपना इंडिया में कितना आप सबको पता ही है। फिर मैंने लड़के सब बहुत सारे लड़के इंटरेस्टेड जो था जॉब के लिए, क्योंकि बेरोजगार था, 15-18 हज़ार 20 हज़ार इनकम होना था, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, तो वो लड़का इंटरेस्टेड होगा। कई सारे बोले कि भैया सर मेरे को ड्यूटी दिला दीजिए। तो उस टाइम में फील्ड ऑफिसर सब भी था बहुत सारा, अभी भी है कॉन्टेक्ट में, जो आता था तो मैं उसको बता दे सर ये लड़का इसे जॉब दिला दीजिए, और उसको जॉब मिल जाता था 18 हज़ार 15 हज़ार 17 हज़ार उसको सैलरी मिलता था और वो लड़का खुश हो जाता था। बाकी मैं उसका भी वीडियो बना लेता था, तो उससे लड़के सबको लगने लगा कि भाई ये सही करता था। मैंने 18 मंथ हो गया अभी तक में, 800 समथिंग होने वाला है जो मैं खुद उसको जॉब लगवाया हूँ 18 मंथ में। SIS, G4S, लोकल, वो जितना भी सिक्योरिटी है सब सिक्योरिटी में लगवाया हूँ, हर जगह वीडियो बना। फिर मैंने मेरा जो है जब मैं खोला चैनल तो मेरा 3 महीने में मोनेटाइज हो करके मतलब अर्निंग आना शुरू हो गया था। और अभी YouTube का जो अर्निंग जो अभी आ रहा है, इससे पहले मैं इसलिए नहीं बना रहा था मतलब वीडियो अर्निंग वाला, जो बहुत सारा आता था ना, मेरा फर्स्ट पेमेंट मेरा भी बहुत सारा लोग बोला भाई अपना फर्स्ट पेमेंट का बना पहले ही, क्योंकि मेरा 18 मंथ में जब हम खोले तो 3 महीने में मेरा मोनेटाइज हो गया था, मतलब डॉलर बनना अर्निंग स्टार्ट हो गया था। मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि रियल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा रियल ही बताता हूँ स्टोरी, क्योंकि भाई अपना देसी बंदा हूँ, जो होता है दिल में वो बोल देता हूँ, गलत तो है ही नहीं भाई, झूठ वूठ को क्या तो काम ही नहीं है। मैं गांव से हूँ, मेरे बाबूजी पे मतलब देखा जाए तो बहुत सारे कर्जे उर्जे थे, उधार लिए हुए थे, मैं भी बहुत मतलब वहीं में मिडिल परिवार से, गरीब परिवार से, तो बहुत कर्जे वाले थे। अगर मैं वो वीडियो बना देता भाई मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा तो जरा घर पर आकर के हंगामा करता, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। और मैं पैसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमाते गए और फिर कर्जे वाले को, उधार वाले को चुका दिए। अभी तो चलो थोड़ा बहुत बचा है, अब तो मैं दे ही दूंगा उस सबको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे। तो फिर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। फिर मेरा जब स्टार्टिंग हो गया था अर्निंग, तो फिर मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल भी लिया, मैं यहाँ पे दिखा दे दूंगा, एक सेकेंड हैंड साइकिल लिया रेंजर, उससे मैं ड्यूटी व्यूटी जाता था। फिर बहुत सारा मेरा जब मुश्किल जब आना शुरू हो गया, जब मोनेटाइज हो गया, थोड़ा बहुत डॉलर बनना शुरू हो गया, तब मेरे लाइफ में जो है प्रॉब्लम शुरू हो गया। थोड़ा गांव में भी बहुत सारे लोग सब पंगा हो गया था, जो अरे यार पता नहीं यूट्यूब से क्या कमा रहा है नहीं कमा रहा है, वो भी प्रॉब्लम हो गया। फिर यहाँ पे जब मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं कई सारा साइड चेंज किया हूँ अभी तक में, जब ड्यूटी करते थे वहाँ पे जो भी था मेरा सीनियर चाहे फील्ड ऑफिसर था, तो मेरे को कहीं से झगड़ा हो चुका था, तो वो सबको लगता था साला ये कितना कमाता है पता नहीं, इधर सुपरवाइजर में भी काम कर रहा है और यूट्यूब भी चला रहा है। मैं कभी भी बोलता है यार साला ये कहीं पागल हो गया यूट्यूब के चक्कर में, वीडियो बनाते 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 बनाते, क्योंकि मैं जिधर ड्यूटी के लिए जाते थे रास्ते में कोई मिल जाते थे, अगर मैं उसे बोलता भैया वीडियो बनाना है तो 90% बोलता था भागो यहाँ से, नहीं बनाएंगे। 10% ऐसे होता था अरे चलो ठीक है बना लो, कोई नहीं उसका बना लो, तो भाई वही बैग हो गए, देखे होंगे मेरे वीडियो कई सारे वीडियो में, जब मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ रास्ते में बैग हो गए टांगे हैं, यूनिफॉर्म में एक वैसे भी तुरंत वहीं पर बनाना शुरू कर दे, स्टिक ले रखा था सेल्फी स्टिक, वहीं से बनाना शुरू कर दे।
तो ऐसे ऐसे करते गए और फिर कई सारे मेरे को फील्ड ऑफिसर बोले बोले कई मैनेजर सब भी बोला जा रहा है तू पागल हो गया, तू काहे वीडियो स्टूडियो बनाता रहता है, कभी कभार बना लिया सही है, ड्यूटी 20,000-25,000 आराम से तू बैठे कमा सकता है सुपरवाइजर में, तो तू काहे इतना पागल हो रखा है वीडियो। फिर मैंने सुना नहीं किसी का, किसी का नहीं सुना, बनाते गए बनाते गए। फिर अभी तो लगभग सबको पैसे वैसे कर्जे वाले सबको तो दे ही दिए जिसका उधार लेता, अभी जो पैसे आ रहा है अर्निंग तो अभी मैं खुश हूँ। और मैं ये नोट जब मैं इसे छूता हूँ तो मेरे बीती हुई जो स्टोरी है मतलब बहुत खतरनाक था जो याद आ रहा है। तो मैंने लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, बड़े बड़े प्लेस पे गए वीडियो बनाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड का, एसएस गार्ड का, और बाकी सारे जगह पे भी, दिल्ली कई बार गए, नागपुर गए, बहुत राजस्थान तक गए थे। तो फिर जो है जब मैं सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो बनाता था तो वो यार कई बार झगड़ा भी हो जाता था, झगड़ा कर लेता था गार्ड सब, क्योंकि भाई मेरा क्यों वीडियो बनाए, क्यों मेरे गार्ड वाला वीडियो तुम यूट्यूब पे देगा। और मैं गलती से बंद आ जाता था उसका वीडियो में, कई सारे फील्ड ऑफिसर से मेरे बहुत पंगा हो गया था, तो भाई तुम्हारा नौकरी ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं बोला भाई जो करना है कर ले यार, मेरे पास उतना नॉलेज है कहीं भी काम ड्यूटी करके आराम से कमा खा सकते हैं, तो बहुत पंगा हो रखा था। तो ये पैसे दोस्तों जब मैं छूता हूँ तो मुझे लगता है जो मेरे जो स्टोरी है पीछे का बहुत ही डेंजर है, बहुत सारा स्टोरी, बहुत कई सारे लड़के मेरे मुंह पे बोल देते जो सुपरवाइजर फील्ड ऑफिसर रहता है, साला ये पागल हो गया, और देख लेना ये कभी मनीष कश्यप की तरह जेल में जाएगा, साला ये इसका रिलाई होगा, ये पागल हो गया इसके चक्कर में। तो मेरे को बहुत मुंह पे भी बहुत सारा उल्टा सीधा बोल देता था जो ये क्या है, बेकार है, इसे वैसे। फिर मैंने बनाते गया। मैंने जब स्टार्टिंग में खोला था तो मेरा था मोटिव जो भाई मेरे को पैसे बहुत कमाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन के बाद पता चला यार ऐसे कुछ नहीं होता, उसके लिए बहुत वायरल होना पड़ता है, बहुत वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, तब आप जाकर के जो है पैसे बहुत कमा सकते हैं। लेकिन फिर मेरा मोटिव टूट गया, फिर मैं छोड़ने लगा बीच में, जब मोनिटाइज होने के बावजूद फिर मेरे को कोई लड़के मोटिवेट किया, कई सारे दोस्त लोग, भाई तुम अगर मोनिटाइज हो गए तो तेरा पैसे ही आ रहा है, आना स्टार्टिंग हो गया था, क्योंकि मेरे को फुल टाइम जॉब भी 12 घंटे का था, जॉब और वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता था, मेरा सीनियर सब बोलता था नहीं बनाओ, नहीं मत बनाओ, मत बनाओ, नहीं तो ड्यूटी नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर मेरा वहाँ पे जो है प्रॉब्लम बहुत हो जाता था, तो फिर मैं वीडियो भी बनाता था और प्लस में ड्यूटी भी, कई सारा साइड मेरे को छोड़ना पड़ गया वीडियो के चक्कर में। तो फिर मेरा जो है वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू किया, तब नहीं छोड़े, तब मैं सोचा यार चलो पैसे जो आए कम आए ज़्यादा आए तो मेरे को वीडियो बनाना नहीं छोड़ना है, अब बनाते जाना है, अब जो है पैसे को नहीं देखना, अब थोड़ा जो है लड़के मेरे को कमेंट भी करने लगा अच्छे से, जो अरे थैंक यू सर आपने अच्छा जानकारी दिया, अरे थैंक यू भैया मेरे को जॉब लगवा दिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के आ जाते थे। 2023 में मेरा फोकस नहीं था, लड़के को टारगेट नहीं था, जो लड़के को मैं जॉब दिलाऊ, जो आ गया लगवा देते थे फील्ड ऑफिसर को बिल्कुल, बाकी उस मैं किसी से आज तक एक भी रुपया नहीं लिया, क्योंकि मैं खुद जॉब करता था, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पैसे आ जाता था, तो मैं खुश था उस दिन, मैं किसी से एक भी रुपया नहीं लिया। तो इस तरह से मेरा जर्नी रहा और अभी के टाइम में प्रेजेंट में जो है किसी तरह जिए जा रहा हूँ यार, देखा जाए तो अभी मैं अगर पेमेंट का बात करूँ तो अभी इस मंथ का मेरा जो है $111 बना था, मतलब 112 के कुछ समथिंग, लेकिन उसमें कुछ GST कट के जो है $111 बना, जिसका 9,200 रुपया आया था, 9,200 जिनमें से जो है 50 रुपया और पता नहीं कौन चीज़ में कट गया, मतलब 9,100 कुछ रुपया आया है। तो इसमें भी मैं बहुत सारा ये ऑनलाइन कर दिया, गिम्बल 1,600 का आता है, फिर 150 का एक स्टिक कर दिया, और जो है जो सेल्फी स्टिक होता है वो, तो ये सब मैं खरीद लिया, और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ जो और कुछ सामान धीरे धीरे खरीदे, जो कैमरा वैमरा भी सोच रहा हूँ खरीदने, वो भी 30,000+ में ही आता है DSLR कैमरा। तो इसी तरह चलते जा रहे हैं, जो भी दोस्त भाई जॉब करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए, ये नीचे में दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको बिल्कुल 100% जॉब मिलेगा। देखो मैं क्यों ऐसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जो मैं बोलूँगा भाई आ जाओ लोग लग ही जाएगा, आपको इंटरेस्टेड है तो आइए, नहीं इंटरेस्टेड है तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दोस्तों आप सबका ये प्यार दुलार के लिए थैंक यू, ताकि मेरे थोड़ा बहुत मतलब पैसे यूट्यूब को मतलब आप समझ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा आता तो दिल खुश हो जाता है, और आप सबके इतना प्यार मेहरबानी से थैंक यू। और जो है अब मैं ये भी तो गिम्बल ही ले लूँगा इस पैसे का, जो 6,000 में था, वो मतलब DSLR के कैमरा और मोबाइल लगा करके जो टर्न होते रहते लेफ्ट राइट करके होते रहते, वो वाला जो प्रोफेशनल यूट्यूबर के लिए होता है। तो धीरे धीरे मैं सामान ले रहा हूँ अच्छा। तो आप सबको मेरा यही थोड़ा जर्नी रहा है अभी तक,
और बाकी आप सबको अपडेट देते रहेंगे। जॉब चाहिए आपको तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको हम बिल्कुल 100% जॉब दिलवाएंगे, विश्वास है। तो बहुत प्रतिदिन मेरे पास 8-10 लड़के अभी आ रहे हैं। अब मैं एक्टिव भी हो गया, जितने लड़के को मैं जॉब दिला सकूँ। और किसी से कोई पैसे नहीं, जो फीस है भाई ऐसे ऐसे जो भी सिक्योरिटी का, आप जाओ जो लोग फीस वहाँ पे करो। और फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो फ्रॉड के चक्कर में आप कहीं भी फंस मत जाइएगा। आपको ऑफिस या ट्रेनिंग सेंटर जाके ही पेमेंट करना है, ऑनलाइन किसी को मत कर देना। जो भाई मेरे फोन पे करो, मैं आपको जॉब लगा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, जो आप सबके मतलब प्यार दुलार मेहरबानी से मेरा जो है अर्निंग अभी चल रहा है। और मेरा अभी इससे पहले इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा था, जो मेरा फर्स्ट पेमेंट मेरे को 3 महीना बाद ही डॉलर बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं बना रहा था। लेकिन अब तो लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों थैंक यू, और बने रहे हमारे साथ। प्रतिदिन आपको 8 बजे नए जॉब से लेकर के नए नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और विश्वास के साथ साथ आइए यहाँ पे। और मैं एक लाइन जरूर बताना चाहूंगा, जो मैं पहले से अभी वीडियो वीडियो लंबा हो गया है। मिल ही जाएंगे मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएंगे मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो लोग है जो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं। ये आप सब बहुत जगह सुने भी होंगे, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे मैं मोटिव हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ खुद, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं गॉड फादर है जो कोई मेरे को ये वो ऐसे वैसे करके बताएगा। जो मेरे को मन में आता है वही करता हूँ, वैसे ही चाहता हूँ, वही वीडियो बनाता हूँ, जहाँ मन करे किया वहीं पर। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।